नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वाराणसी जेल में आज भी भ्रष्टाचार चरम पर दिख रहा है। आरोप है कि जेल में पैसे वालों को सुविधा प्रदान की जाती है, साथ ही जिनके पास पैसे नहीं हैं उनसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है और टॉयलेट भी साफ करवाया जाता है। वहीं पर जिनके पास पैसे हैं उन माफियाओं को मोबाइल तक की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। आइए देखते हैं वाराणसी से कालीशंकर उपाध्याय की ये रिपोर्ट। दशकों पुराने 1962 में नेहरू जी की सरकार में पटेल आयोग गठित किया गया, उसमें भी पूर्वांचल राज्य गठित करने की संस्कृति थी, लेकिन आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया तो अभी तक पूर्वांचल राज्य गठित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य जिसका यह पूर्वांचल पूर्वी हिस्सा है वह एक बहुत बड़ा राज्य है। दिल्ली से सटे नोएडा से लेकर बलिया तक अच्छी से अच्छी सरकार के लिए इसकी व्यवस्था देख पाना, इसको नियंत्रित कर पाना, इसको सुनियोजित कर पाना, इसका विकास कर पाना संभव नहीं होता है। तो हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जो लखनऊ से पूरब का क्षेत्र है 28 जिलों का, उसको अलग पूर्वांचल राज्य का रूप में मांग कर रहे हैं। और ये पूर्वांचल भी हमारा छोटा राज्य नहीं होगा, पूर्वांचल भी बहुत बड़ा क्षेत्र है जो राज्य बनने के बाद देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य होगा, उसको राज्य बनना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ हमने लड़ा। अच्छा, इसके लिए किसी को ज्ञापन दिए हैं कि बस सिर्फ आप धरना कर? बिल्कुल बिल्कुल, हमने 13 रेलों को आंदोलन में प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया, मिशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया। सभा में हमने प्रदर्शन किया, वहाँ पर एसपी जी ने ज्ञापन लेकर प्रधानमंत्री जी को सौंपा। लगातार ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन, इसका मेन स्रोत क्या है और किस माध्यम से बता रहे हैं इसके बारे में? पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन एक संगठित आंदोलन है, आ रहे हैं इसके तहत हम पिछले 5 वर्षों से पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग के लिए संघर्षरत हैं। इस क्रम में हम पिछले 2.5 वर्षों के दौरान पूर्वांचल के विभिन्न 7 जिलों में 13 रेलवे को आंदोलन कर चुके हैं, 3 मिशन कर चुके हैं, 2 जनसत्याग्रह कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की सितंबर संसद सभा में प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में 14 मई से 2 घंटे का सतत धरना लहुरा भी आजाद पार्क वगैरह में जारी है, जो 15 अगस्त से हमारे निशा में तब्दील हो जाए। इसी क्रम में हम लोग हर शनिवार को विशेष साप्ताहिक धरना वाराणसी के विभिन्न चौराहों पर करते हैं जनजागरण की दृष्टि से। इसी क्रम में पिछले 16 जून को दौरा भी चढ़ाए पर ही विशेष साप्ताहिक धरने के दौरान हमारे सेनानियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ से 3 सेनानियों को चेतगंज पुलिस ने जेल भेजा। जेल में जाने के बाद हम लोगों ने जो जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार देखा, तो इसी सतत धरने के क्रम में जो आज का धरना है वो विशेष धरना है जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार के। अच्छा, जेल में क्या भ्रष्टाचार है? जेल में 2 प्रकार का भ्रष्टाचार है, एक तो जो माफिया और दबंग प्रकार के।